हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। में पुनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो बहुत खास है। आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी एनर्जी वैम्पायर के बारे में, ठीक है? किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, खास करके फेमिनाइन के लिए, क्योंकि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और उसकी जो इमोशन है बैलेंस करते करते हमें बहुत टाइम होता है, क्योंकि वहीं पे हमें चैलेंज आता है। हमारी फेमिनिन इमोशनल होती है और हमारे मैस्कुलिन लॉजिकल होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसे कुछ एनर्जी वैम्पायर जो अभी फ़िलहाल कलेक्टिव में एक्टिव है। देखिए, दो तरह की एनर्जी चल रही है। बहुत ज़्यादा पीक वाली एनर्जी है, साथ में नेगेटिव एनर्जी भी है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है। अगर मन भी लग रहा है तो बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा फेमिनाइन 3D में देखने लगी है, ऐसा भी कई फेमिनाइन फील करेंगी। एक अजीब सी हैवीनेस, एक अजीब सी एनर्जी वो फील कर रही है। तो इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर एनर्जी वैम्पायर का अटैक हो सकता है या हो चुका है। ये एनर्जी वैम्पायर आपके घर के अंदर भी रहते हैं, कई बार ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्कल में। कई बार हम उनसे इतना ज़्यादा बातें बातें करते हमें समझ में नहीं आता कि ये मेरी एनर्जी चुरा रही है या फिर ये मेरी एनर्जी सक कर रही है, ठीक है? एनर्जी वैम्पायर अलग अलग टाइप के होते हैं, सब कुछ देखूंगी। अगर ये आपके साथ कहीं पे भी रेजोनेट होता है तो वहाँ से आपने आज ही के आज उनसे अपना कॉर्ड कट कर लेना और एक हेल्दी बाउंड्रीज आपने बना लेनी है, ठीक है? तो उससे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर देना, ठीक है? तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इमोशनल वैम्पायर जो होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी सकर का काम करते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं और कई बार ये हमें लंबा चूसते हैं, मतलब हमारी एनर्जी बहुत लंबे समय तक ये हमारे ऑरा से चिपके हुए रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है? तो सबसे पहला साइन नार्सिसिस्ट, सबसे पहला वैम्पायर ये होता है नार्सिसिस्ट। आपने सुना होगा, ये बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब ना जाने देते हैं और ना रहने देते हैं, इस टाइप के ये लोग होते हैं। ये लोग इमोशनली लिमिटेड पीपल होते हैं जो हमेशा खुद को महत्व देते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। आपको बुरा लगता है, आपकी मर्ज़ी, आपको अच्छा लगता है, ये भी आपकी मर्ज़ी, उनसे कोई मतलब नहीं होता इन सारी चीज़ों का। बहुत सेल्फिश होते हैं, इनके अंदर मैं मतलब ईगो कूट कूट कर भरा होता है। वो चाहते हैं कि सबका अटेंशन मुझे ही मिले और हमेशा मैं अपनी खुद की तारीफ सुनना पसंद करती हूँ या करता हूँ। इस टाइप के ये लोग होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं होता। आप अपना कलेजा फाड़ के अपने हाथ पे रख दें उनके सामने, फिर भी वो खुद की ही तारीफ करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं होता। और इसी वजह से कई बार इनके साथ जो डील करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के जो इमोशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, उनके जो इमोशन है वो ब्रेक हो जाते हैं। ये लोग कई बार हमारे घर के अंदर ही मिलते हैं, कई बार आपके हस्बैंड होंगे, कई बार आपकी वाइफ होंगी। तो कई बार आप देखेंगे कि आपके मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हमेशा आपकी एनर्जी को चूसते हैं। आप कुछ भी करें लेकिन वो खुश नहीं होते, कुछ भी करें उन्हें आपके अंदर नुक्स निकालना है, कुछ भी करें उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी आपके लाइफ में है तो उससे अपने आप को बचाना, कैसे बचें? तो अपने एक्सपेक्टेशन पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। इनके लिए कभी भी आप अपने डीपेस्ट इमोशन के साथ इनको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब आप उनके साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे। अगर आप वैसे भी नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो वैसे भी आपकी लाइफ तो जंड है, और अगर आप इनके साथ एक एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में चले जाते या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप लेवल पे आपकी इनके साथ अटैच हो जाते हो तो आपकी लाइफ वैसे भी बद से बदतर हो जाएंगी, ठीक है? तो आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है, अटैच नहीं करना है, और सबसे बेस्ट ये होगा कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है और एक्सपेक्टेशन तो इससे 0% रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है? क्योंकि ये कभी आपके काम नहीं आएगा, ये हमेशा आपको चूसता रहेगा, ठीक है? यही काम होता है नार्सिसिस्ट का, ठीक है? दूसरा एनर्जी वैम्पायर ये होता है द विक्टिम।
उन्हें हमेशा लगता है कि मैं बहुत लाचार हूँ, मेरा एटीट्यूड बहुत पुअर है और इसीलिए लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हैं, सब मेरे खिलाफ़ होते हैं और हमेशा मैं ही दुखी होकर फिरता हूँ या फिरती हूँ। और यही कारण है कि लोग कभी भी हैप्पी नहीं होते हैं, ये लोग जो हमेशा विक्टिम मोड में रहते हैं। चाहे आप इनके लिए कुछ भी करें, हमेशा ये लो वाइब में आपको देखने को मिलेंगे, हमेशा अपना दुखड़ा गाते हुए रोते हुए देखने को मिलेंगे। और इनके लाइफ में कुछ भी हुआ तो वो दूसरों पर उसका ब्लेम करेंगे, मतलब उसका सारा चार्ज सारा सब कुछ दूसरे पे लगा देंगे कि इसके वजह से मेरे लाइफ में ये हुआ है। बहुत नेगेटिव सोचते हैं और इसकी वजह से आपकी एनर्जी और ख़राब हो जाती है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा गंदा होने लगता है अगर आप इस वाले पर्सन के साथ या फिर कहीं पे भी हो सकता है अगर डील करते हो तो। ठीक है, हमेशा एक दुखड़ा रोने वाले, हमेशा लो वाइब में रहने वाले, कुछ भी हो जाए हम लोग ऐसा होता है कि अगर ट्रिगर भी आता है तो हम उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे, लेकिन इन लोगों की लाइफ में अच्छा भी हुआ तो भी उसमें कुछ ना कुछ आड़ा तिरछा करके वो नेगेटिव निकाल लेंगे। हमेशा खुद को एक विक्टिम मोड में रखते हैं कि मैं बेचारी लाचार हूँ, मेरा सब फ़ायदा उठाते हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये है, भगवान पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। हमेशा ऐसा ही वो लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन में आपको नहीं दिखेंगे। और इन लोगों की बातें अगर आप सुनते हो, और एक बार नहीं हर रोज़ का रहेगा, अगर ऐसे पर्सन के साथ आप रहते हैं या डील करते हैं या फिर बातें सुनते हैं, तो गारंटी के साथ लिख लेना, आप कितना भी काम कर लीजिए ये आपको हमेशा लो में ही भेजेंगे, क्योंकि आप एक इम्पैक्ट है और आप उसका सब ले लेते हो। इसकी वजह से आपका ऑरा गंदा होने के चांसेस होते हैं और आपकी एनर्जी भी लो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप भी एक इमोशनल पर्सन होते हैं, फेमिनाइन। ठीक है, तो इनसे कैसे बचें? काइंड रहे, बहुत प्यार से रहे, बट अपने हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखें इनके साथ। कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से रहना है, लेकिन एक लिमिट बना के रखना है कि भाई अब इसके आगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके दुख को अपना दुख समझने लगे। कई बार मैं फेमिनाइन के मुंह से सुनती हूँ कि मैम उसका दुख देख के ना मेरे से रहा ही नहीं गया, मैं ही रोने लगी, मुझे ही बुरा लगने लगा, मुझे इतना ये हुआ वो हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 मिनट बहुत प्यार से काइंडली बात करें और वहाँ से हट जाए। ठीक है, बॉडी से आँखों से भी वो आपकी एनर्जी सक करते हैं, इसको ध्यान में रखना। मतलब आएंगे और हक करेंगे और रोना धोना गाना शुरू करेंगे, या फिर आई कॉन्टेक्ट करके अगर बातें करते तो भी आपका ऑरा गंदा होता है। तो इन लोगों से हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, बहुत प्यार से उनको समझाना, और ना समझे तो फिर कुछ भी बहाना मार के वहाँ से हट जाना, लेकिन ज़्यादा अलाव नहीं करना। ओके, तीसरा इमोशनल वैम्पायर होता है एक कंट्रोलर। ठीक है, ये लोग हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए, आपको क्या फील होना चाहिए, यहाँ तक कि खाने से पहनने तक ये लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, इसके साथ मत बात करो। ठीक है, इनका एक स्पेशल खुद का माइंड सेट होता है जो उन्होंने बना के रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा तो ऐसा ही रहेगा। ये वाला अगर आपका कोई रूल वहाँ पे फिट नहीं होता, मान लीजिए आपने वहाँ पे क्रॉस लगा दिया, तो आपके इमोशन को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसे बंदे के साथ आप डील कर रहे हो और आपको पता है, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभार देखने को मिलेंगे कि और पजेसिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेवजह का फालतू का इनके अंदर जुनून आपको देखने को मिलेगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं एक पिंजरे में बंद हूँ, मुझे एक जैसे बांध के रखा गया है, इस तरह से आपको फीलिंग आएगी। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। अब इन लोगों से कैसे बचे? आपने कभी भी कंट्रोल करना करने की उनको कोशिश ना करें, आपको मतलब वो अगर आपको करते हैं तो आपने कभी भी उनको कंट्रोल ना करें। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करो, उन्हें कहे कि मैं आपसे अग्री हूँ, बट आपको जो करना है वही करें। उन्हें कुछ भी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगी, नहीं, आपको करना वही है लेकिन बताना नहीं है। लेकिन इसके ये करने के लिए भी आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा आपका खुद का कॉन्फिडेंस, जिसके लिए आपको लोअर चक्रा पे काम करना होगा।
बिंदास रहे, हेल्दी रहे, लेकिन विक्टिम मोड में ना जाए कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बात करने वाले, ये जो इमोशनल वैम्पायर होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। इन लोगों को आपके फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता होती है। ये लोग फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकली स्पेशली। वो सब शेयर करेंगे उनकी प्रॉब्लम, कभी भी आपको लगेगा ही नहीं कि अब ख़त्म होंगी, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको शेयर करते रहेंगे। ये आपकी आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं, मतलब उनकी बातें सुनकर आपको हेवी लगने लगता है, आपका सर दर्द होने लगता है और कई बार आपको अच्छा भी नहीं लगता। आप भी अगर एक कंटिन्यू बात करने वाला एक जो इमोशनल वैम्पायर अगर आपके लाइफ में है तो आपको लगेगा कि इसके साथ बात करने से ना मेरा सर दुखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे चिड़चिड़ होता है। अगर ऐसा कुछ फील होता है तो समझ जाना कि ये जो वैम्पायर है आपकी एनर्जी सक करता है, ठीक है। अब इनसे कैसे बचे, और हाँ एक बात, ये जो बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं ना, इनको आपका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। इनको जब जी चाहे वो तब कॉल करेंगे और जब चाहे मतलब खाली कर देंगे। अब इनको हैंडल करना आपको आना चाहिए, आपको इनके बोलने के बीच कोई भी बहाना चिपका देना चाहिए। जब भी इनका कॉल आए या फिर बात करने है, कोई भी बहाना चिपका दें, क्योंकि ये हाँ या ना में आंसर नहीं करते, ये पूरा आपको बताएंगे पहले से लास्ट तक, और ये दोबारा दोबारा घिसकर पिटकर सब कुछ बताएंगे, ठीक है। मतलब दोबारा दोबारा खोल के रख देंगे। अब बीच में बात रोकने के लिए बहुत सारे आपके लिए पॉजिटिव बहाने हैं, कुछ भी, वॉशरूम का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जाने के लिए लेट हो गए हो, भले ही आपको जाना नहीं है, भले ही आपको वॉशरूम के लिए जाना नहीं है, फिर भी आप चिपका सकते हैं, या फिर मुझे कॉल करना है, या फिर घर पे जाना है, या फिर अगर आपके घर के ही अंदर है तो मुझे कुछ ऑफिस का काम है, या फिर मेरा ज़रूरी काम है, कुछ भी आप बहाना चिपका सकते हैं, अर्जेंट जाने का कुछ भी। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, अगर ऐसा कोई बहुत बोलने वाला है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। लास्ट है कि ड्रामा क्वीन, ये जो होते हैं ये छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा बड़ा वाला बतंगड़ बनाते हैं, बड़ा चढ़ा के बातों को खींचना, ठीक है। पूरा ओल्ड पास्ट जिसका कोई भी कुछ भी काम नहीं है करंट झगड़े में, फिर भी वो पुरानी से पुरानी बात कि तुमने मुझे तब भी ये कहा था, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला, अब ये क्या हो गया, मतलब इसको बोलते हैं ड्रामा क्वीन। तो पास्ट का, ओल्ड पास्ट का जिसका कोई काम भी नहीं है, वो भी ये लोग खींच कर बनाकर बहुत बढ़ाते हैं, इसका बातों का बतंगड़ बनाते हैं, ठीक है। हमेशा से, ये एक दिन का नहीं होगा, हर तीसरे दिन इन लोगों के लिए आपको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। हर छोटी बात अगर पुरानी भी है वो भी आएंगे, नए के साथ पुरानी से पुरानी, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा और वो खींच के लेके आएंगे, ठीक है। और इसके वजह से फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो ख़राब हो जाएंगे, आपकी एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन हो जाएंगी, और हर दिन का रहेगा ये सिंगल डे, ठीक है। अगर ऐसा है तो इससे कैसे बचना है आपको, ठीक है। शांत रहे, डीप गहरी सांसें ले, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपको समझना चाहिए, मैं जानती हूँ मुश्किल होता है लेकिन आप कर सकते हैं। शांत रहना है, डीप गहरी सांसें लेने, इससे आपका जो ड्रामा है वो मतलब इसमें क्या होगा ना, इक्वल योगदान नहीं रहेगा, मतलब तुमने कुछ बोला है तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, वो सामने से अगर कुछ बोलता है तो आपको शांत रहना है, आपको कुछ देना नहीं है, अगर आप देंगे नहीं तो यहाँ पे डिसबैलेंस होगा, ठीक है। और आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी और एनर्जी उनको मिलेंगी भी नहीं, और वो अपने आप शांत हो जाएंगे, बस आप कुछ ना बोलें, क्योंकि आपको पता है कि इसका हमेशा से है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी सेव होती रहेंगी। और हाँ, हमेशा अपने और आपको प्रोटेक्शन देते रहना, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉमन इमोशनल एनर्जी वैम्पायर के साइन हैं जो मैंने आपको बताया। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होंगे, स्पेशली इस टाइम, अगर इसी में से कोई भी कैटेगरी आपके साथ है तो आपको बच के रहना है, अपने लिए अपनी एनर्जी को सेव करना है, ठीक है। आपको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि अभी जो एनर्जी का टाइम है ये पीक टाइम है, वैसे भी ये साल और अगला साल हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज वाला है, तो हमारा काम बनता है कि किसी भी तरह से हमारी एनर्जी लीक ना होए। और एनर्जी वैम्पायर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन का इमोशनली फ़ायदा उठाते हैं, उनको पता है कि ये बंदी इमोशनल है, तो आपको अपनी इमोशन पर बहुत अच्छे से काम करना है, वहाँ पे बैलेंस रखना है, चाहे डीएम की तरफ से आने वाले ट्रिगर हो या फिर कार्मिक की तरफ से,
कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने इमोशन पर बहुत अच्छे से काम करना है ताकि आपकी इमोशनल एनर्जी जो है वो बैलेंस रहे, डिसबैलेंस ना आए और इन लोगों को कुछ खाने को ना मिले। ठीक है, तो ये थे साइन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।